सरदारपुर में लोकायुक्त तो इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट मुंशी को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा है। लोकायुक्त तो इंस्पेक्टर विजय चौधरी ने बताया कि आवेदक रालू पिता राय सिंह डावर निवासी ग्राम भाटी खोदरा थाना अमझेरा, जो कि हत्या का जमानती आरोपी है और प्रकरण सरदारपुर न्यायालय में चल रहा है, उससे न्यायालय के एपीजी सरकारी वकील दिग्विजय सिंह राठौर और कोर्ट मुंशी प्रधान आरक्षक जय सिंह डामोर ने आवेदनकर्ता से उसके केस में राहत दिलवाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की है। आवेदनकर्ता द्वारा पहले 30,000 रुपए दे दिए गए थे और 10,000 रुपए आज देना तय हुआ था। आज न्यायालय के सामने से कोर्ट मुंशी प्रधान आरक्षक जय सिंह डामोर को फरियादी की शिकायत पर 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त टीम आरोपी कोर्ट मुंशी को सरदारपुर सर्किट हाउस लेकर पहुंची है, जहां पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, बरी करने के फायदे के लिए उन्होंने 30,000 रुपये पहले से ले लिए थे। किसने किसने लिया था ये? सर, नाम तो पता नहीं, मैं सरकारी वकील ऐसे बोलता हूँ सर। अच्छा, हाँ जी। फिर आपने क्या किया? सर, फिर हमने 30,000 रुपये दिए उनको, मेरे पापा जी ला के दिए, हम जेल में बंद थे सर। उसके बाद में फिर बोला कि इससे क्या होगा, इतने पैसे में कुछ भी नहीं होगा, सहायपाने भी नहीं होगी सर। अच्छा, तो फिर आपने बार बार परेशान हाँ, होके परेशान होके ना, फिर आते हैं गवाह, आते हैं तो उनको सिखाते हैं, उसके बाद में वो लिख के देते हैं कि ऐसे बोलना। फिर कोर्ट में जाते हैं हम, खड़े रह के वहाँ जहाँ गवाह रहती है वहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं, पैसे दो ऐसे, नहीं तो अच्छा, गालियां गलौज कर। हाँ, गालियाँ कलूस करते हैं। लोकायुक्त तो ने जो कार्रवाई की है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, 302 में सर, थाना कौन सा था? अमजेरा। आवेदक है रालू डाबर, निवासी ग्राम भाटी खोदरा, थाना अमझेरा, जिला धार। इन्होंने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में ये शिकायत की थी कि वह स्वयं थाना अमझेरा में धारा 302 मर्डर का आरोपी है, वो कोर्ट से जमानत पर है और उसका कोर्ट न्यायालय सरदारपुर में चल रहा है। उसकी मदद करने के एवज में सरदारपुर कोर्ट के एजीपी दिग्विजय सिंह राठौर एवं कोर्ट मुंशी प्रधान आरक्षक जय सिंह डामोर उससे 50,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे। आवेदक का कहना है कि वह 30,000 रुपये पहले दे भी चुका था। इस शिकायत पर रिकॉर्डिंग करवाई गई थी जिसमें रिश्वत राशि लेने की पुष्टि हुई थी। रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होने के पश्चात आज ट्रेप का आयोजन किया गया था, जिसमें आज 3 मार्च 2020 को कोर्ट के सामने प्रधान आरक्षक जय सिंह डामोर को 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एजीपी कोर्ट आए नहीं थे और इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। एजीपी दिग्विजय सिंह के ऊपर आगामी किस प्रकार की कार्रवाई कर सकती है लोकायुक्त? इसकी विवेचना होगी और उसके बाद जो भी हमारी कार्यवाही है, यदि उनको आरोपी पाया जाएगा तो चालान कोर्ट में आरोपियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया